सर सबको मतलब इक्वली क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि सब लोग इक्वल है नहीं। हर व्यक्ति का अपना ओरा अलग होता है, हर एक का अपना तरीका अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, हम सूर्य की बात करते हैं, हम अगर सूर्य की रेमेडी करवाते हैं तो सबसे पहले आपको सूर्य के गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा। जिससे सूर्य का काम क्या है, पंचुअलिटी, समय पे आना समय पे जाना। तो उस हिसाब से रेमेडी करने के लिए आप कब उठ रहे हो, कब कर रहे हो, कब नहा रहे हो, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। किसी भी रेमेडी के लिए मन, वचन और काया, इन तीन चीज़ों से पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब रेमेडी सक्सेसफुल होगी। काया यानी कि शरीर, बॉडी। तो रेमेडी मन से आप तैयार होते हो, वचन से आप चाहे किसी की भी आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और देन काया यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। जैसे मॉर्निंग बोलते हैं सूर्य की रेमेडी के लिए, सुबह जल्दी उठ के धूप में बैठो, हाँ ऐसी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से अगर चंद्रमा की हम रेमेडी कर रहे हैं, चंद्रमा की रेमेडी यानी कि आपके मन को मजबूत करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, मदर के साथ अपना रिलेशन इम्प्रूव कीजिए, अपने मन को साफ कीजिए। पानी में अगर जब तक गंदगी मिली रहेगी तब तक वो उसका फ़ायदा कैसे होगा, यानी कि पानी को थोड़ा सा ठहरने दीजिए, उसकी गंदगी को बैठने दीजिए, तब आप उसको यूटिलाइज कीजिए। तो उसी तरह से अगर बुध की बात करें, बुध इज ए नंबर ऑफ बैलेंस। संतुलन कैसे आएगा, आप रिलेशन में संतुलन रखिए ना। आप झूठ बोल रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, शारीरिक रूप से कर रहे हो, मानसिक रूप से कर रहे हो, तो जब साथ में आपकी ये चीज़ें चल रही हैं तो रेमेडी का असर कैसे होगा? रेमेडी का असर तभी होगा जब पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए जब डॉक्टर मेडिसिन देता है तो दो तरह के देता है, एक एंटीबायोटिक देता है, एक आपका जो भी पेन किलर हो गया या आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड दवाई देगा। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो गया, पहले आपकी बॉडी को उसके लिए तैयार करें। अब आपको जुखाम है और आप दवाई लेते रहो और कोल्ड ड्रिंक बंद ना करो, फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो उसी तरह से अगर कोई रेमेडी कर रहे हो तो रेमेडी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि पहले आप अपने आप को तैयार करो कि आपको किस चीज़ को ठीक करना है, फिर उसके बाद रेमेडी स्टार्ट करो, तब वो असर करेगी, अदरवाइज असर नहीं करेगी। एक ही टाइम पे दो लोगों को एक जैसे रेमेडी करवाई, एक व्यक्ति ने अपने आप को तैयार किया और एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया। जिसने तैयार किया उस रेमेडी के अकॉर्डिंग, और मेरा मानना है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर है अगर कोई रेमेडी बता रहे तो उससे पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करे कि अपनी तौर तरीके सुधारो, अपनी टाइमिंग सुधारो, अपना व्यवहार सुधारो, अपना खाना पीना सुधारो, तब जाके वो रेमेडी असर करेगी, अदरवाइज नहीं। एज शनि वाला एज कंपेयर सूर्य के देर से या जिद्दी मणि से रेमेडी करेगा, हाँ बिल्कुल।